एसटीवी न्यूज 24 रखे बुलंद आपकी आवाज। जनपद संभल के बनियाखेड़ा विकास खंड की ग्राम पंचायत गुलाबई में स्थित संयुक्त विद्यालय का सौंदर्यीकरण हुआ है। जनपद संभल की तहसील चंदौसी के बनियाखेड़ा विकास खंड की ग्राम पंचायत भुलावई में स्थित संयुक्त विद्यालय है। वहां की प्रधान अध्यापिका नीरज सक्सेना ने सौंदर्यीकरण का कार्य कराया है। इस विषय में प्रधान अध्यापिका नीरज सक्सेना ने बताया कि यह एक कंपोजिट विद्यालय है। इस विद्यालय का आरम्भ 2004 में हुआ था। उस समय विद्यालय में मात्र 25 छात्र थे। उस समय विद्यालय में साधनों का अभाव था। इस समय विद्यालय में कुल मिलाकर 435 छात्र और छात्राएं अध्ययनरत हैं। विद्यालय मिशन प्रेरणा के 14 बिंदुओं को भी पूरा करता है। विद्यालय में बनी स्मार्ट क्लास में सभी सुविधाओं जैसे एलईडी प्रोजेक्टर तथा फर्नीचर से उनको पूरी तरह से विद्यालय में तैयार किया गया है। साथ ही उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि ये विद्यालय एक प्रेरक विद्यालय बने। यहाँ का स्टाफ विद्यालय को आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग देता है। साथ ही प्रधानाध्यापिका नीरज सक्सेना ने कहा कि विद्यालय मेरे परिवार की तरह है। यहाँ की प्रत्येक सुविधा का मैं अपने परिवार की तरह ही ध्यान रखती हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि सभी प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय को परिवार के समान माने तो सभी विद्यालय आगे बढ़ जाएंगे। ZTV न्यूज 24 के लिए संभल से संवाददाता कृपाल सिंह की रिपोर्ट। मैं नीरज सक्सेना इस विद्यालय की प्रधानाध्यापक हूँ। मेरा विद्यालय कंपोजिट विद्यालय है। इस विद्यालय का आरंभ मैंने 2004 में किया था और यहाँ पर जब केवल 25 छात्र थे और एक ही क्लास की कक्षा थी, लेकिन और कोई भी साधन यहाँ पर नहीं थे। अब इस समय विद्यालय में 435 बच्चे हैं और हमारे विद्यालय में LED प्रोजेक्टर आदि सारे साधन उपलब्ध हैं और मिशन प्रेरणा के अंतर्गत हमारे विद्यालय में 14 बिंदु अविकसित हैं। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा यही रहती है, ज़्यादा कोशिश यही करती हूँ कि मेरा विद्यालय जल्दी से जल्दी प्रेरक विद्यालय बने। विद्यालय के सभी अध्यापक मेरे भरपूर सहयोग करते हैं और सबका पूरा योगदान, विद्यालय को बढ़ाने में सभी का पूरा योगदान है। और मेरा विद्यालय में हमारा विद्यालय परिवार का विद्यालय, विद्यालय परिवार की तरह समझते हैं। जैसे परिवार में अपनी साधनाओं का ध्यान रखते हैं, व्यवस्थाओं का, उसी तरह से विद्यालय का भी पूरा ध्यान रखते हैं कि इसमें कब किस चीज़ से क्या आवश्यकता है। इसी तरीके से सभी लोग अपने विद्यालय को परिवार समझें तो शायद सभी विद्यालय प्रेरक विद्यालय बन सकें। धन्यवाद।